बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट का आखिर का इंतजार समाप्त हो गया। बिहार बोर्ड ने टेंशन खत्म करते हुए मैट्रिक का रिजल्ट का डेट जारी कर दिया। अब जाकर छात्रों की उत्सुकता हो गई है खत्म। मैट्रिक का रिजल्ट जो है वो इस दिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी करने जा रही है। उसका डेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो पूरी जानकारी यहाँ पे देखिएगा कि किस जिले से कौन से छात्र जो है वो बाजी मारे हैं, किस जिले का पासिंग परसेंटेज क्या है, कितने टॉपर लिस्ट में जो है वो छात्र शामिल हुए हैं, क्योंकि टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया करीब करीब अब खत्म हो चुकी है। अब रिजल्ट की मोहर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यहां पर लगा दी है। साथ ही साथ जो टॉपर लिस्ट में यहां पे जिनका टॉप 20 में सिलेक्शन हुआ है उसे बिहार बोर्ड जो है जबरदस्त खुशखबरी भी यहां पे दी है। और अगर आपके मार्क्स 300 से ऊपर बने हैं तो भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जिनका मार्क्स 300 से ऊपर बना है या जो सेकेंड डिवीजन में भी आ रहे हैं उनके लिए भी यहां पर खुशखबरी दी है। तो पूरी जानकारी यहां पर देखिएगा, सभी को फटाफट शेयर कर दीजिए। बहुत बड़ी अपडेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी कर दी। मैट्रिक का रिजल्ट जो है वो उसका डेट जो है वो यहाँ पे आ चुका है। छात्रों में जो है खुशी का माहौल देखा जा रहा है। छात्र जो है जिसका इंतजार कर रहे थे कि आखिर उन्हें कब मैट्रिक रिजल्ट के दर्शन होंगे, जैसे ही होली समाप्त हुआ छात्र जो है रिजल्ट को लेकर उत्सुकता बढ़ गई छात्र छात्राओं में कि उनका मैट्रिक का परिणाम कब जारी होने जा रहा है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति होली के तुरंत बाद जो है यहाँ पे बिल्कुल फास्ट स्पीड में रिजल्ट जो है वो तैयार करने में लग गई थी। इसी का परिणाम हुआ कि रिजल्ट इतना तेजी से इतनी जल्दी जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी करने जा रही है। और सभी जिले का लेटेस्ट अपडेट भी यहां पे जारी कर दिया है कि किस जिले में कितने छात्रों को जो है लिस्ट में शामिल किया गया है। क्योंकि आपको बता दें कि इस बार जो टॉपर की संख्या है वो करीब करीब 300 से ऊपर पहुंच गई है। और सभी जिला टॉपर में देखा जाए तो जिला टॉपर में भी 3 टॉपर को शामिल किया गया है। सभी जिलों से जो फाइनल लिस्ट तैयार किया गया है हर जिले में 3 टॉपर जो है टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 जारी किए गए हैं, जिसमें टॉप 1 में ही जो है आर्ट्स साइंस और कॉमर्स से अलग अलग छात्र को देखने को मिल रहा है। और एक पोजीशन पे 2 से 3 छात्र जो है वो यहाँ पे मैट्रिक में लीड कर रहे हैं। यानी अगर किसी जिले का लिस्ट में टॉप 1 की बात कर ले तो टॉप 1 में ही 3 से 4 छात्र जो है वो वहाँ पे शामिल हो गए हैं, क्योंकि मार्क्स जो है वो सबका टैली कर गया है। तो पूरी जानकारी यहाँ पे समझिएगा, मैट्रिक का रिजल्ट किस दिन जारी हो रहा है, पूरी अपडेट यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी कर दी है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, अभी तक शेयर नहीं किए तो फटाफट शेयर कर दीजिए। पूरी जानकारी यहाँ पे समझ लीजिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने क्या कहा है रिजल्ट को लेकर। जैसा कि आपको बताया गया था कि इस बार के पासिंग परसेंटेज जो है पिछले 7 सालों से बेहतर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बनाई है। और वही यहाँ पे बिहार विद्यालय ने भी क्लियर कर दिया, यानी अब क्लियर हो गया कि आप लोग का रिजल्ट जो है पिछले सभी सालों से बेहतर जो है वो यहाँ पे जारी करने जा रही है। इसीलिए हर साल प्रथम श्रेणी छात्रों को फायदा तो मिलता ही था, लेकिन इस बार सेकेंड डिवीजन में जो छात्र जो है वो शामिल हुए हैं उन्हें भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वो यहाँ पे फायदा देने जा रही है। इसका मतलब जो है जो आपका फर्स्ट डिवीजन पे इनाम मिलता था, पुरस्कार मिलता था, अब जो है सेकेंड डिवीजन पे भी आपको मिलेगा, जिसका लिस्ट जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रिजल्ट के तुरंत बाद जारी करेगी। क्योंकि आपको बताया गया था कि स्कूल में आपका लिस्ट जो है वो भेज दिया गया है, और जैसे ही रिजल्ट जारी होगा आपका प्रथम श्रेणी का और सेकेंड डिवीजन का लिस्ट जारी किया जाएगा। उस लिस्ट में जिन छात्र छात्राओं को नाम होगा उसे जो है वो ऑनलाइन आवेदन करना होगा छात्रवृत्ति के लिए, और उसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो है वहां पे छात्रवृत्ति की रकम जो है वो यहां पे दी जाएगी। टॉपर जिले की बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चंपारण हो गया, शेखपुरा हो गया, रोहतास हो गया, भागलपुर, बेगूसराय, नालंदा, आरा, वैशाली और पटना जिला भी इस बार जो है वो यहाँ पे धमाल मचाता हुआ दिखा है। क्योंकि यहाँ पे जो पासिंग परसेंटेज देखा जा रहा है तो इन सभी जिलों में पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जो टॉप 20 में जो छात्र शामिल हो रहे हैं इन सभी जिलों में से टॉप 20 के छात्र भी शामिल किए गए हैं। हालांकि हर जिला से जिला टॉपर जो है वो इस बार बना ही बना है, ठीक है, और उसकी संख्या भी पिछले सभी सालों से अधिक यहाँ पे रखी गई थी। और आपको ये भी बता दें कि जो फाइनल पे रिजल्ट तैयार किया गया है, जैसा कि आपको बता दिया गया है कि टॉपर लिस्ट जो है वो यहां पे फाइनल हो चुका है। टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया करीब करीब समाप्त हो चुकी है। और जो भी छात्र जिनका रिजल्ट जो है
कुछ नंबर से छूट रहा था, जैसे कि मान लीजिए किसी को मार्किंग पैटर्न का उतना फ़ायदा नहीं मिला था क्योंकि उसकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, या पूरी कॉपी नहीं लिखे थे, क्योंकि आपको पता है कि पूरी कॉपी भी लिखनी होती है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में, खास करके मैट्रिक एग्ज़ाम में तो पूरी कॉपी लिखनी होती है। तो जो पूरी कॉपी लिखे थे उन्हें तो फ़ायदा मिला है, लेकिन आधी अधूरी कॉपी लिखे थे और सही उत्तर नहीं लिखे थे तो उन्हें जो है वो उतना फ़ायदा नहीं मिल पाया था, जिस वजह से उन्हें ग्रेस मार्क्स के तहत पास किया गया है। ठीक है, अगर कोई छात्र को लगेगा कि उनका रिजल्ट उनके मन मुताबिक नहीं मिला है तो उन्हें स्क्रूटनी का मौका भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देगी। यहां पे क्लियर कर दिया है कि मैट्रिक में भी स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट परीक्षा का आयोजन जो है वो कराएगी, और जिस स्टूडेंट का एग्जाम छूट गया है देरी से कॉलेज पहुंचने के चक्कर में, यानी कि जो सेंटर था अगर देरी से पहुंचे हैं, आपका एग्ज़ाम छूट गया है, तो आपको जो है अलग से स्पेशल एग्ज़ाम भी आपको जो है वो करवाया जाएगा। इसका भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने फाइनल यहां पे अपडेट जारी कर दिया है। तो अब यहां पे ध्यान से देखिएगा कि आपका मैट्रिक का रिजल्ट जो है वो कब जारी होने जा रहा है, आखिरकार कितना पासिंग परसेंटेज इस बार है। तो पासिंग परसेंटेज की बात कर ले, इस बार 90% छात्र जो है वो इस बार उत्तीर्ण करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि इस बार इंटर का जो पासिंग परसेंटेज था वो 87% को क्रॉस कर गया था इंटर में, और इस बार मैट्रिक का भी पासिंग परसेंटेज उसी तरीके से धमाल मचाया है। तो आगे देख लीजिए पूरी जानकारी, यहां से थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेन पॉइंट यहां पर आपको बताने जा रहे हैं, जिसके लिए ऑफिशियल अपडेट यहां पर जारी किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं सीधे मैं आपको बिहार नोटिसेज .in पे यहां पर मैं लेके जा रहा हूं, जहां से आज की अभी अभी जो अपडेट जारी की गई है उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहां पे देखे गए मैट्रिक रिजल्ट का डेट जो है वो यहां पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यहां पे फाइनल किया है। ठीक है, यहां पे देखिए आज का लेटेस्ट अपडेट 28 मार्च का लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है अभी अभी की। तो फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए, लेटेस्ट अपडेट जारी कर दिया गया है, मैट्रिक रिजल्ट का डेट यहां पे आ चुका है अभी अभी 28 मार्च का। ठीक है, सबसे फास्ट अपडेट आपको अभी सेक्ट 12 पे दिखाया जा रहा है, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप देखिए यहां पे जब क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए फाइनल यहां पे कर दिया है 28 मार्च को कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट का डेट जो है वो यहां पे जारी कर दी है। यहां पे आपको रिजल्ट आके देखना होगा। ठीक है, जो भी छात्र जो हैं टॉप 20 में शामिल हुए हैं उनका फाइनल लिस्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने तैयार कर लिया है, और टॉपर वेरिफिकेशन अंतिम दौर में ही यहाँ पे साफ साफ जो है वो यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इस दिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक का रिजल्ट जो है वो जारी करने जा रही है। तो नीचे देखिएगा डेट भी यहाँ पर मैंशन किया गया है, तो थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, यहाँ पर मेन पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपको बता दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी छात्र फेल कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10 नंबर तक ग्रेस मार्क्स देकर पास की है। एक विषय में अगर कोई फेल कर रहा था तो एक विषय में 10 नंबर तक का ग्रेस मार्क्स देकर पास किया गया है। अच्छी राइटिंग अगर आपने लिखी है तो उस पर आपको अच्छी राइटिंग पे बोनस मार्क्स भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से दिया गया है। रिजल्ट के बारे में यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 30 मार्च या 31 मार्च से पहले बिहार विद्यालय मैट्रिक का रिजल्ट किसी वक्त जारी कर सकता है। 30 मार्च का उम्मीद यहां पे रखा गया है, जिसके लिए 4 लिंक यहां पे लगा दिया गया है। तो आप लोग लिंक पे क्लिक करके आप देख लीजिए कि आपके मोबाइल में खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। ठीक है, तो एक बार लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, बिहार नोटिसेज .in गूगल पे सर्च करना है डायरेक्ट, या डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो जाके आप लिंक पे क्लिक कीजिए, देखिए किस तरह से आपका खुल रहा है, और वहीं पे आपका रिजल्ट जो है वो 30 मार्च या 31 मार्च को बिहार विद्यालय जारी करेगा, क्योंकि 1 से 2 दिन का समय यहाँ पे बोला है कि 1 दिन का समय यहाँ पे लग सकता है फाइनली। ठीक है, तो सभी को शेयर कर दीजिए, ग्रुप का लिंक भी दिया गया है तो ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, बिहार बोर्ड का ग्रुप दिया गया है तो वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो वीडियो को शेयर कीजिए और कॉमेंट करके जरूर बताइए आप लोग क्या उम्मीद रखें, कितना पासिंग परसेंटेज आपका है और क्या लगता है कितना परसेंट मार्क्स आपको आएगा। तो फटाफट शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए, तो फटाफट।